कमिटेड रिलेशनशिप के नाम पे एक दूसरे पर बोझ मत बनो। हेलो एवरीवन, कितना टाइम हो गया तुम्हारे रिलेशनशिप को, ठीक है, 2 साल 3 साल 5 साल, और अब बचा क्या इस रिलेशनशिप में? वही गुड मॉर्निंग गुड नाइट के टेक्स्ट, खाना खा लिया कि नहीं, ठीक है, हर छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े, जिसका जो बेसलेस और पॉइंटलेस है, क्योंकि दोनों अपने आप को सही प्रूव करना चाहते हैं। कभी सोचा बैठ के अब इस रिलेशनशिप में वो प्यार कहाँ है, वो चार्म कहाँ है, वो स्पार्क कहाँ है? बस एक हैबिट रह गई है कि एक दूसरे को सुबह और रात को टेक्स्ट कर दिया, कहीं जा रहे हैं तो इन्फॉर्म कर दिया, और बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है, एक्चुअली डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं बचा है, एफर्ट्स और इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बट फिर भी एक दूसरे के साथ हो। क्यों, कभी सोचा है? क्योंकि भाई तुम यहाँ पर एक हैबिट में फंस चुके हो, तुम्हें एक इंसान की आदत लग चुकी है साथ रहते रहते, और इस आदत को तुमने कन्फ्यूज़ कर रखा है प्यार से। तुमको लगता है कि मैं इस इंसान को कभी छोड़ नहीं पाऊँगा या इससे कभी अलग नहीं हो पाऊँगा क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं भाई, यहाँ पर तुम सिर्फ और सिर्फ एक हैबिट में फंसे हो। इस रिलेशनशिप में अगर कुछ बाकी है तो वो सिर्फ एक हैबिट रह गई है बस। अब चलते हैं थोड़ा फ्लैशबैक में। कैसा था तुम्हारा रिलेशनशिप जब स्टार्ट हुआ था? एक दूसरे से मिलने का एक्साइटमेंट था, एक दूसरे को लेकर अंडरस्टैंडिंग थी, एक दूसरे के लिए एफर्ट्स करते थे और एडजस्ट भी करते थे। तुम बहुत खुश थे क्योंकि तुम्हें एक्सपेक्टेड बिहेवियर और एक्सपेक्टेड रिएक्शन मिल रहे थे एक इंसान से जो तुमने सोच रखा था अपने डिज़ायर पार्टनर को लेके। तुम्हारे पास रीजंस थे इस रिलेशनशिप में रहने के, इस इंसान के साथ रहने के, क्योंकि तुम्हें ये एक्नॉलेजमेंट और ये हैप्पीनेस, ये फीलिंग बार बार मिल रही थी कि चलो कोई है जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकता हूँ, कोई है जिस पर मैं रिलाई कर सकता हूँ, और जिससे बात करके मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत एक्साइटमेंट मिलता है, बहुत कुछ है बात करने को और सामने वाले के बारे में जानने के लिए। पर यही 2 साल 3 साल 5 साल बाद यही रिलेशनशिप से एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है। सामने वाले के बारे में जानने के लिए कुछ बचता नहीं है, ये रिलेशनशिप बहुत ही बोरिंग, बहुत ही स्केड्यूल, बहुत ही मोनोटोनस हो जाता है, ठीक है। दोनों एक टाइम सेट कर लेते हैं कि हाँ चलो इस टाइम में हम दोनों आपस में बात करेंगे, पर उसमें भी बात करने के लिए कुछ होता नहीं है क्योंकि दोनों अब इंटरेस्टेड ही नहीं है हर छोटी छोटी डिटेल एक दूसरे के साथ शेयर करने में। या तो दोनों में से कोई एक दूसरे पर चीट कर रहा है, या तो फिर दोनों में से किसी को एक ऐसा इंसान मिल गया है जो उनके एक्शंस पे, उनके इमोशंस पे, उसके बिहेवियर पे ज़्यादा बेटर तरह से रेसिप्रोकेट करता है। फिर भी घसीटे जा रहे हैं इस रिलेशनशिप को, घसीटे जा रहे हैं क्योंकि या तो तुम रियलाइज़ नहीं करना चाहते या रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे हो कि ये रिलेशनशिप अब सिर्फ और सिर्फ एक हैबिट, एक आदत की वजह से चल रहा है। तुम्हारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स पे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, बट इसको रिजॉल्व करने के लिए ना तो कोई डिस्कशन हो रहा है और ना ही कोई क्लोजर, और यही पाइलअप होते होते ये रिलेशनशिप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बनता जा रहा है। पर तुम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि तुम्हारे दिमाग ने एक अलार्म सेट कर रखा है, तुम्हारे दिमाग ने तुमको कन्विंस कर लिया है, एक क्रेविंग, एक हैबिट डेवलप कर ली है कि इस पर्टिकुलर टाइम में ये इंसान मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज करेगा, ये मुझसे खाने के लिए पूछेगा, या इस पर्टिकुलर टाइमिंग में हम दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, फिर उसके बाद एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि बहुत लंबे टाइम तक रिलेशनशिप में रहने के बाद जब लोग चीट करने लगते हैं तो उनको ये रियलाइज ही नहीं होता, ये फील ही नहीं होता है कि वो सामने वाले के साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके साथ प्यार की वजह से नहीं, हैबिट की वजह से उनके साथ हैं। डेफिनेटली अगर प्यार की वजह से होते तो कभी चीट ना करते, पर इतना सब कुछ होने के बाद और इतना सब कुछ करने के बाद भी लोग रिलेशनशिप ख़त्म नहीं करते, ठीक है, इसे घसीटते रहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये इंसान चला गया तो मेरे रूटीन्स, एक पैटर्न, मेरा एक साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, अगर ये इंसान नहीं होगा तो मेरे रूटीन्स को, मेरी हैबिट्स को, इस रिलेशनशिप के डायनामिक्स और नेचर को कौन फुलफिल करेगा। तो बस इसी खालीपन को ख़त्म करने के लिए, इसी खालीपन से बचने के लिए और अपनी साइकोलॉजिकल क्रेविंग्स को फुलफिल करने के लिए लोग ऐसे रिलेशनशिप्स को घसीट रहे हैं जिन्हें बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था या जिनमें कुछ बचा ही नहीं है। अब कमिटेड रिलेशनशिप का मतलब यह नहीं है कि कमिटमेंट किया है तो साथ ही रहेंगे, फिर चाहे वो रिलेशनशिप कितना ही बोरिंग क्यों ना हो चुका हो, रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हो या दोनों एक दूसरे पर चीट कर रहे हो, तो बैठो एक दूसरे के साथ, बात करो एक दूसरे से कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या ये फिक्स किया जा सकता है, और अगर ये डिस्कशन हर बार एक आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाता है तो भाई निकल लो इस रिलेशनशिप से, ठीक है, और खुद को भी मौका दो और दूसरों को भी मौका दो तुम्हें डिस्कवर करने का, और तुम्हें भी मौका मिलेगा दूसरों को डिस्कवर करने का। तो आज के वीडियो में इतना ही है भाई, कोई भी प्रॉब्लम हो इंस्टाग्राम हैंडल पर DM करो या मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, सपोर्ट ज़रूर करो, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करो भाई चैनल को, ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।